नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं बताने जा रहा है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। यह वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, मुझसे एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है, बोला है कि सर इस पर बता दीजिए, तो इसी पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसको मैं आज पूरा आप इसका मतलब पूरा क्या क्या वो प्रोसेसर है मैं इसका सब लगा के बताने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो सबसे पहले प्रस्तावना है इसमें, तो प्रस्तावना तो है हमें इसमें जो है बहुत ही राशियाँ बहुत मिलती हैं। तो वैसे राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। तो जो अदिश होता है उसके इसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, और जो सदिश में होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब यानी किसी व्यक्त करने के लिए। और जो हम सदिश को निरूपण करते हैं, जैसे ये कोई रेखा है ए है ये बी, इसको हमें ऐसे तो ए बी वेक्टर इसको इस तरह से निरूपित करते हैं। यह है निरूपण, वेक्टर का निरूपण। तो ये हो गया। अब इसका देखते हैं जो कुछ परिभाषाएं हैं। जो मापांक होता है, अगर किसी वेक्टर ए अथवा ए बी के मापांक को मापांक जो होता है उसको कहते हैं वेक्टर ऑफ ए मॉड ऑफ, मतलब मॉड ऑफ रहता है और ऊपर वेक्टर रहता है, ए चाहे ओ चाहे ए बी हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए ए बी इस तरह हो गया। और शून्य सदिश जो होता है, शून्य जिसका मतलब परिणाम शून्य हो, उसको हम जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और जो एकांक है, जो इकाई दिशा है, जिस राशि का मापांक इकाई हो उस एकांक या इकाई सदिश कहते हैं। इसको प्रदर्शित जो एकांक होता है उसको कैप से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इस तरह से अगर देखें तो ए बराबर कैप ए बराबर होता है वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश। तो जो होता है वो होता है इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है। तो इसमें जो समान सदिश होता है, जो यानी कि मतलब दोनों बराबर हो, दिशा समान हो, जैसे ए बी मान लेते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर। अगर इसको चित्र द्वारा प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा इस तरह से, दोनों मतलब समांतर रेखा बनेंगे, दोनों समान रहेंगे। इसको अगर ए बी मान लेंगे और इसको सी डी, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको देखें गुणनफल के नियम से और समरेखीय, तो जो होता है अगर इलेक्ट्रिक समरेखीय है तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा लेमडा वेक्टर बी, इस तरह को, जहाँ लेमडा कोई अदिश राशि होगी। तो ये हो गया। समतलीय जो होता है, जो वैसे जो एक ही तल में हो उसे समतलीय सदिश कहते हैं। और सदिश यानी तो ए बी डॉट वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू वेक्टर ए, तो जो हो जाएगा वेक्टर बी इंटू ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा। अगर देखें हम सदिश का वास्तविक संख्या आदि से गुणा, तो यह जो होता है क्रम बिन में नहीं है, यानी कि यम इंटू वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इंटू यम, ये क्रम नियम पालन करता है। और जो सहचर नियम होता है यम, अगर देखें सहचर नियम, तो यम ब्रैकेट में यन इंटू वेक्टर ए ब्रैकेट वन इक्वल टू यम वेक्टर ए ये जो होता है, तो ये जो हो जाएगा यम इसमें आगे यन हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यम इंटू यन यन,
इंटू वेक्टर ए, ये हो गया। और वितरण नियम जो होता है एम इंटू ब्रेकेट में माड़ा फे मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाता है, जब इसको जब इसका अलग अलग करेंगे तो एम इंटू वेक्टर ए प्लस एम इंटू वेक्टर बी ये हो जाता है। तो यह वितरण नियम का पालन करता है, जिसका योग होता है वो होता है अगर कोई त्रिभुज है जैसे वेक्टर ए हो गया और ये, अगर इसको हम त्रिभुज से निरूपित करें अगर त्रिभुज बनाकर जैसे इसको मान लेते हैं और ये तीन भुज आएंगे त्रिभुज, अगर इसको हम ओ मान लें इसको ए इसको बी और इसकी जो वेक्टर दिशा होगी वेक्टर ए हो जाएगी, इसकी जो हो जाएगी वेक्टर बी और इसकी जो ये हो जाएगा, तो इसका जो परिमाण त्रिभुज का नियम सदिशों का योग त्रिभुज नियम, तो इसका जो हो जाएगा वो भी बराबर हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो जाएगा। तो अब जो बताने जा रहा हूँ वो है सदिशों को घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर कोई त्रिभुज मान लेते हैं त्रिभुज ये है इसका ओ इसका ए इसका बी, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो ये जो हो जाएगा ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए से सदिश वेक्टर को बी को घटाने का अर्थ है यानी कि माइनस वेक्टर ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए यानी कि, तो जो होता है अगर मान लेते हैं माना ओ ए बराबर यानी कि त्रिभुज ओ ए वेक्टर बराबर वेक्टर ए इसको मान लेते हैं और बी ओ वेक्टर बी ओ यानी कि इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ये हो जाएगा। तो हमें जो प्राप्त हुआ तो हमें जो घटाना हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी यानी कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी बी ओ यानी ओ बी चाहे उल्टा लिखी जाए, अब जो ये हो जाएगा तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी इक्वल टू जो हो जाएगा वेक्टर बी ए यानी कि, तो ये कितना ओ ए है वेक्टर ए माइनस ओ बी वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी ये हो जाएगा। तो जो गुण होता है या क्रम एम बी एन नियम का पालन करता है यानी कि वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू इसका ये गुण है सदिशों योग का गुण, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए या क्रम एम बी एन का पालन करता है। और जो यह सच नियम है माड़ा वेक्टर ए तो ये सचल नियम का पालन भी करता है, तो ब्रेकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस ब्रेकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सचल नियम से। इसका जो स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर सदिश को उसके सिरे के स्थित सदिशों के पदों में व्यक्त करना, तो जो व्यक्त करेंगे वो ये वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ओ बी, तो जो हो जाएगा ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस
वेक्टर ओए, यानी कि बिंदु बी की स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, ये जो होता है इसको हम इसी तरह व्यक्त करते हैं। तो एसी, अगर एसी रहेगा जैसे मान लीजिए एसी वेक्टर एसी इज इक्वल टू सी की स्थिति सदिश, यानी कि बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का, तो जो हो जाएगा वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओए। इसी तरह से हो जाएगा बीसी वेक्टर बीसी का, तो बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश, यानी कि हो जाएगा ओसी माइनस वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओबी, ये हो जाएगा। तो अब जो है समकोणीय इकाई सदिश, समकोणिक इकाई सदिश, ये जो इसका है ये तो जो होता है सूची, इसको हम जो करेंगे इसको मॉडिफाई प्लस माडा ये इसको टू माडा इसका सब इसका जो रहेगा कैप रहेगा, यानी कि आई कैप माडा जे कैप के माडा के, ये हो जाएगा। तो इसका जो होता है सबका समकोणीय इकाई इसका एक होता है। अब इसका ये देख लेते हैं दिक्कोज, तो दिक्कोज जो होता है अगर मान लीजिए ओपी बराबर दिया है दिक कोज्या, तो इसका जो हो जाएगा ओपी वेक्टर ओपी इसके हो जाएगा, जिसका दिया है वेक्टर आर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो माडा आर बराबर होता है जो वेक्टर आर मार, तो हो जाएगा इसका अंडर रूट हो जाएगा या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। अगर देखें क्वाजन यानी कि क्वास, तो इसका जो हो जाएगा क्वास अल्फा बराबर हो जाएगा एक्स अपान वेक्टर आर आर माडा वेक्टर आर, ये हो जाएगा। तो यानी कि एक्स अपान एक सपान तो माड़ा पार यानी कि वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। इसी तरह कॉस बीटा का हो जाएगा कॉस बीटा बराबर हो गया वाई अपान माड़ा वेक्टर आर, तो हो जाएगा वाई अपान सबका वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से कॉस गामा का भी हो जाएगा जेड अपान माडा वेक्टर आर, तो ये जेड अपान हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है। अगर हमें किसी के उसका गिराने यानी कि इसका जो क्वास अल्फा हो गया आई का गुणा अपान सदिश वेक्टर आर का मापान, और क्वास बीटा बराबर होता है जो जे का गुणा अपान सदिश आर का मापान, और कॉस गामा बराबर जो होगा या इसका कोण है तो जो हो जाएगा के का गुणांक अपान सदिश आर का मापान। तो चलिए देखते हैं, और तो अब समतलीय सदिश देख लेते हैं। तो इसका जो होगा अगर मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर दिया है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड वन जेड टू के कैप, और वेक्टर सी बराबर एक्स थ्री आई कैप प्लस वाई थ्री जे कैप प्लस जेड थ्री के कैप। तो इसका जो समतली वो होगा समतलीय का
तो अगर हम इसको डेल्टा से प्रदेश करें तो इसको सालिक के रूप में लिखेंगे, यक्स वन यक्स टू यक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री और जेड वन जेड टू जेड थ्री, ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अगर समतली है तो इसका जो मान आएगा उसका जीरो आएगा, अगर जीरो आया तो समतली है, अगर जीरो नहीं आएगा तो असमतली है। यही इसका है मतलब कंडीशन है समतली होने का। तो इसका जो जीरो, अगर इसी का हम देखें इसकी दूरी देख लें, इसके बीच की दूरी, तो जो होता है दूरी वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा, जो दूरी होता है यक्स टू माइनस यक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे का प्लस जेड टू माइनस जेड वन के का। इसका हो जाता है बीच की दूरी। तो इसका अगर हम माड लें वेक्टर ए वेक्टर बी का माड़ा, तो जो हो जाएगा अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जिसको अगर निकाला तो इसी से निकालेंगे। तो अब सब जो था हो गया, अब इस पर हम सवाल को लगाते हैं कि सवाल को कैसे हल करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन मान लीजिए वेक्टर ए बराबर दिया है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस के कैप, तो इसको हमें मापांक ज्ञात करना है, मापांक यानी कि माड़ा माड़ा वेक्टर ए। तो जो इसका मापांक हो जाएगा सबका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट मापांक पे जो रहता है इसको लेते हैं आई का मतलब यक्स, इसको अगर यक्स वन यक्स वाई वन यक्स वाई और जेड मान लें, तो इसको जो हम करेंगे जो सूत्र होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो इसमें आई यक्स है फोर वाई है और जेड बराबर एक, यानी कि कुछ नहीं दिया तो इसको हमें एक मान लें, तो जो हो जाएगा अंडर रूट थ्री का वर्ग प्लस फोर का वर्ग प्लस वन का वर्ग, तो हो जाएगा जो, तो इसका हो जाएगा तीन तीस का नौ प्लस चार चौक सोलह प्लस वन, यानी कि अंडर रूट छब्बीस। तो इसका ये मापांक होगा माड़ा वेक्टर एज का टू मापांक हो जाएगा अंडर रूट छब्बीस। तो जो वेक्टर ए था इसका मापांक जगह माड़ा वेक्टर ए इजकल टू प्राप्त हुआ जो हमें छब्बीस। तो यही इसका आंसर है। तो यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में और क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं इस पे बताऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई सुझाव तो कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।